50% कमीशन, ये मुद्दा फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में गरमाया हुआ है। इस मामले में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी ने एक तरफ जहां प्रियंका गांधी, कमलनाथ, अरुण यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, उसके बीच बड़ा सवाल ये कि क्या इन तीन नेताओं को जेल होगी या नहीं होगी। इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में आपको हम देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप के बीच में कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया। ये ट्वीट किया गया कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की तरफ से, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार यानी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार के ऊपर 50% कमीशनखोरी का आरोप लगाया गया। इस ट्वीट को जो कि प्रियंका गांधी ने किया था, इसको कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने जो कि मध्य प्रदेश जुड़े हैं उन्होंने रीट्वीट करा, बयानबाजी हुई। इसके बाद बीजेपी एक्शन में आ गई। बीजेपी ने एक्शन में आकर सबसे पहला काम किया इन तमाम नेताओं के खिलाफ FIR कराने का। सबसे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में FIR दर्ज की गई। FIR प्रियंका गांधी, अरुण यादव और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के खिलाफ की गई। लेकिन अब बड़ा सवाल यह निकल कर आ रहा है कि क्या इन तीनों नेताओं को जेल हो सकती है इस मामले में, क्योंकि FIR हुई है। तो आपको बता दें कि इस मामले में DCP क्राइम से जब बात की गई तो उनका कहना था कि ये जो धाराएं लगी हैं जिनके तहत FIR दर्ज की गई है वो बेलेबल है, यानी कि इसमें जेल तो नहीं होगी लेकिन आने वाले वक्त में पुलिस जो है वो इन तमाम नेताओं को पूछताछ के लिए जरूर बुला सकती है। बेलेबल धाराएं हैं, डिफेमेशन IPC में डिस्क्राइब किया गया है जिसमें ये बेलेबल ऑफेंस है। इसकी सजा 7 साल से कम होने की वजह से ये केवल नोटिसेबल धारा है जिसमें फॉर्मल गिरफ्तारी नहीं होगी, एक नोटिस सर्व किया जाएगा और उसके बाद कोर्ट में इसकी कार्रवाई पूरी की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने 50% कमीशन खोरी के आरोप के साथ जो ट्वीट किया था वो ट्वीट एक लेटर यानी कि एक पत्र के हवाले से किया था। ये पत्र जो लिखा गया है वो भी लगातार सवालों के घेरे में है। इस पत्र में जिस व्यक्ति का नाम लिखा गया है जो कि ज्ञानेंद्र अवस्थी है, वो व्यक्ति लापता है, इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला है। वहीं जिस संस्था की बात इस पत्र में की गई थी और जिस पते पर इस संस्था का दफ्तर बताया गया था वो भी फर्जी निकला। पुलिस की जो प्रारंभिक जांच हुई है उसमें ये पाया गया है कि ना ही ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम का कोई व्यक्ति है और ना ही इस नाम की कोई संस्था रजिस्टर्ड है। वहीं MPTA की टीम जब उस जगह पहुंची जहां का एड्रेस इस लेटर पर डाला गया है, दिया गया है, उस जगह पर ग्वालियर की वसंत विहार कॉलोनी में ऐसा कोई दफ्तर नहीं मिला। फिलहाल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। एक तरफ कांग्रेस जहां FIR होने के बाद भी प्रदेश सरकार के ऊपर 50% कमीशनखोरी का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस जो है वो डॉटी पॉलिटिक्स कर रही है और झूठ बोल रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या इन तमाम नेताओं को मध्य प्रदेश पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो MP तक सबसे पहले आप तक लेकर आएगा। और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।